हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आज हम अपना ब्लॉग 10 बजे से चालू किए हैं और आज हम बनाएंगे दम बिरयानी। तो दम बिरयानी की रेसिपी आप लोग को भी बताएंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा चिकन, इसे हम धो लेते हैं। तो चिकन को मैंने धो लिया है, अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये रहा प्याज, हम प्याज को कट कर लेते हैं सारा। प्याज को हम छील लिए हैं, इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं और कुकर को हम गर्म होने देते हैं। प्याज हमने सारा काट लिया है, अब हम जो चिकन है उसे तड़का दे देते हैं। डाल चुके हैं, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो इसे हमें लाल कर लेना है अच्छे से। तो हम जब तक हमारा वहाँ प्याज लाल हो रहा है, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और ये है अदरक, प्याज और लहसुन। तो इसका हम तो पेस्ट मैंने बना लिया है इसका। अभी हमारा लाल हो रहा है, इसे और लाल करना है हमें। तो और तो प्याज हमारा लाल हो गया है, तो प्याज हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इसमें। चिकन है हम इसमें डाल देंगे लाल होने के लिए। अब इसे हम लाल होने देते हैं चिकन को। इसे हमें चलाना है, इसमें हम डालेंगे तो 2 चम्मच धनिया पाउडर, कुछ मिर्चा पाउडर लेंगे, हमने 3 चम्मच लिया है और 1 चम्मच हल्दी। तो चिकन हमारा लाल हो गया, इसमें हम मसाला डालेंगे। तो हम मसाला डाल देते हैं, मसाले को हम डाल दिए हैं, मसाले को हम पकने देते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, इसे हम भिगा देंगे कुछ टाइम के लिए। मसाला हमारा पक रहा है तो इसमें हम बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। तो मसाला हमारा पक चुका है, इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ जो हमारा चिकन है बस वो बनने भर का हम पानी इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी। तो इसमें हम नमक स्वाद अनुसार। तो इसे हम ढक्कन लगा देते हैं। तो कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया और 1 सीटी हम आने देंगे। तो हमारा चावल भीग चुका है तो इसे हम धो लेते हैं। तो चावल को मैंने धो लिया है, यहाँ पे मैंने एक बर्तन को चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। तो जिसमें हमें चावल बनाना है तो वो बर्तन को हमने रखा। तो इसमें हम रिफाइन ऑयल डाल, ये जो खड़े मसाले हमने ये इसमें डालेंगे हम। जो चावल हमारा है वो हम डालेंगे, लाल हो गया है। तो हल्का सा इसे चावल को हम भून लेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हम पानी डाल दे रहे हैं इसमें। देख सकते हैं चावल को मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें नमक हम डाल देते हैं। इसका हमारा चावल है मोई सबसे नमक डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक डाला था। इसे बनने देते हैं स्लो आंच पे। तो चावल हमारा उबल रहा है, तो चावल हमारा बन गया है। तो कुकर में हमने थोड़ा सा रखा है, तो इसमें हम कुकर से चावल डाले। देख सकते हैं चावल मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इस पे 1 लेयर अपने जो चिकन है उसका डालेंगे। ये मैंने चिकन
चिकन का डाल दिया है और फिर हम एक लेयर चावल का डालेंगे अपने। जितना अब हमारा बचा है ग्रेवी हम सारा इस पे डाल देंगे। और जो प्याज को हमने भूज के रखा था वो हम डालेंगे इसको। हमने एक लेयर और चावल का डाला था तो जो प्याज हमारे बचे हैं वो हम इस पे ऑन कर लेते हैं। इसको हम हाफ से बनाएंगे तभी ये बिरयानी दम बिरयानी होगा। एकदम स्लो आंच पे और हम कुकर का जो ढक्कन है इसका सीटी हम निकाल दिए हैं और इसे हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। फिर आपको कुछ टाइम बाद दिखाते हैं इसे। तो दम बिरयानी हमारा बन के तैयार हो गया, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। बज गए हैं फ्रेंड्स, तो अब चल रहे हैं चाय बनाने। और सारा काम हो गया था, सबने बिरयानी खाया और फिर दोपहर में हम आराम भी करने लगे। तो चलिए हम चाय बनाना है। तो शाम के 8 बज गए हैं, तो आज हम इतनी टाइम जो दोपहर में हमने, तो फ्रेंड्स इतनी टाइम हम कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि दोपहर में जो हम बनाए थे ग्रेवी उसमें से थोड़ा सा हमने रख लिया था। तो इसीलिए ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना। तो चलिए गुड नाइट। तो यहाँ पे रोटी बनी है शाम के लिए और यहाँ हमने चिकन बनाया था जो ग्रेवी वाला, तो वही हमने थोड़ा सा रख दिया था शाम के लिए। तो सबने बिरयानी खाया था तो पेट भर गया था तो ये हम शाम के लिए रख दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स गुड नाइट। कोमल पढ़ाई कर रही है, जो ये पीछे लाइट चल रही है अच्छी लग रही है ना। Messing with my head again.